सो हेलो फ्रेंड, वेलकम एंड बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम आपको लाइटरूम ऐप के मन से कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करके दिखाने वाले, जो कि दिखने में काफ़ी मस्त लग रहा है। आप अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हो तो पूरा 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं कि आप भी ऐसा फोटो एडिटिंग करना सीख जाओगे। तो गाइज, आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले गाइज, वीडियो को एक लाइक कर दो एंड चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं। मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाने के बाद ये जो हमारी फोटो है, इसको हम इधर से डायरेक्ट शेयर कर लेते हैं लाइटरूम ऐप में। ओके, तो ये रहा हमारा लाइटरूम ऐप, इस पे इसको शेयर कर लेते हैं फोटो को। ओके गाइज, तो यहाँ पर हमारे जो फोटो है लाइटरूम ऐप में आ गई है, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। एंड गाइज, ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको आ जाना है इफ लाइट वाला ऑप्शन पे। ओके, लाइट वाला ऑप्शन पे आ जाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके कॉन्ट्रास्ट को आपको माइनस कर लेना है। ओके, -14 के अराउंड इसके कॉन्ट्रास्ट को कर लेना है। एंड फिर हाईलाइट को भी थोड़ा सा कम कर लेना है, हाईलाइट को -29 के अराउंड कर लेना है, ठीक है, 28 के अराउंड। ओके, एंड फिर ब्लैक्स को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, एंड ब्लैक्स को बढ़ाकर 26 के अराउंड कर लेना है, ठीक है गाइज। एंड इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर आपको आ जाना है कलर वाला ऑप्शन पे, और कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद फिर आपको मिक्स कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड फिर आपको अपने फेस को थोड़ा सा गोरा करना है, ठीक है। तो फेस को गोरा करने के लिए आपको सेकेंड नंबर पे क्लिक करना है, एंड इसके लेमनेस को थोड़ी सी बढ़ा लेनी है करीब 41 के अराउंड, एंड सैचुरेशन को माइनस कर लेनी है, ठीक है, करीब 12 के अराउंड। ओके, एंड इतना ऑप्शन कर लेने के बाद फिर आपको ग्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड फिर ग्रीन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद इसके सैचुरेशन को पहले बढ़ा लेना है आपको, तो सैचुरेशन को बढ़ाकर 58 के अराउंड कर लेंगे, ठीक है। 58 के अराउंड सैचुरेशन कर लेने के बाद फिर डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। एंड डन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ से वाइब्रेंस के वैल्यू को भी थोड़ा सा बढ़ा लेंगे करीब 21 के अराउंड। एंड गाइज, इतना ऑप्शन कर लेने के बाद पहले यहाँ से हम बैक आ जाएंगे गाइज। एंड बैक आ जाने के बाद आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक PNG का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला PNG है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ से आप लोग पहले इसको डाउनलोड कर लेना, और डाउनलोड कर लेने के बाद लाइटरूम ऐप में इसको शेयर कर लेना। एंड शेयर कर लेने के बाद इसको ओपन कर लेना, और ओपन कर लेने के बाद आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर 3 डॉट का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो 3 डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। एंड नीचे तरफ आना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको कॉपी सेटिंग वाला, तो कॉपी सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। एंड कॉपी सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद नीचे की तरफ आना है, एंड ज्योमेट्री वाला ऑप्शन पे टिक कर लेना है, एंड मास्किंग पे भी क्लिक कर लेना है, एंड फिर राइट क्लिक कर लेना है। ओके, एंड राइट क्लिक करने के बाद बैक आ जाना है गाइज, और जो अपना जो फोटो हम एडिटिंग अभी कर रहे थे उसको ओपन कर लेना है। ओके, एंड गाइज, इसको ओपन कर लेने के बाद अब क्या करना है हमको, इसके 3 डॉट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और 3 डॉट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेस्ट सेटिंग का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा आपको, तो पेस्ट सेटिंग पे क्लिक करोगे तो आपका जो फोटो है ये देखो आप देख सकते हो। पेस्ट सेटिंग में क्लिक करते के साथ ये देखो बिफोर एंड आफ्टर, कितना मस्त हमारा फोटो एडिटिंग हो गया, इतना तो मस्त एडिटिंग हो गया। अब इसमें थोड़ा सा हम अपने हिसाब से भी एडिटिंग कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, मिस कलर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, एंड सेकेंड नंबर पे क्लिक करके इसके लेमनेस को हम और बढ़ा लेंगे ताकि जो फेस है हमारा और गोरा हो जाए, और सैचुरेशन को थोड़ी सी माइनस कर लेंगे 44 के राउंड, ठीक है। एंड फिर आपको ये एक्वा कलर पे क्लिक कर लेना है, एंड इसके भी लेमनेस को थोड़ी सी बढ़ा लेनी है 10 के राउंड। एंड फिर ब्लू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है, और इसके सैचुरेशन को बढ़ाकर आपको 66 करीब कर लेना है। ओके, एंड फिर डन कर लेना है, और डन कर लेने के बाद फिर आपको इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। ओके, एंड इफेक्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फेदर के वैल्यू को आपको 54 के अराउंड बढ़ा लेना है। तो गाइस, यहाँ पर जो फोटो है पूरा अच्छी तरह से एडिटिंग हो चुकी है, काफ़ी मस्त भी लग रहा है देखने में। आप लोग बिफोर देख सकते हो एंड आफ्टर भी देख सकते हो। तो प्रीसेट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेके जो भी हम आपको स्टेप बताए वही स्टेप पे आपको करना है तो आपकी फोटो एडिटिंग हो जाएगी। अब क्या करना है, लास्ट ऑप्शन, आपको अपने फोटो को सेव करना है। तो फोटो को गैलरी में सेव करने के लिए आपको शेयर वाला ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और फिर सेव टू डिवाइस पे क्लिक करना होगा। ओके, तो आपकी जो फोटो है गैलरी में सेव हो जाएगी। तो आई होप गाइस कि आपको ये एडिटिंग अच्छी लगी होगी, और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको फोटो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलती है। और बाकी कमेंट करके जरूर बताना कि आपको एडिटिंग कैसी लगी, ठीक है। और आप लोगों ने अभी तक हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करे हो तो इंस्टाग्राम का आईडी आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर से कर लेना। मिलते हैं ऐसे कि न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।